हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं क्रिसमस मार्केट बर्लिन में। तो इस वीडियो में हम आपको यही दिखाते हैं कि बर्लिन का क्रिसमस मार्केट कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, बर्लिन का जो क्रिसमस मार्केट है वो जनरली स्टार्ट होता है नवंबर में और ये लास्ट करता है टिल दिसंबर एंड तक। तो जो पर्पज है इस क्रिसमस मार्केट का वो ये होता है कि सब लोग गैदर हों, एक साथ इंजॉय करें, खाए पिए, घूमें फिरें, मजे करें। जो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेडिशन है वो इंडिया में भी है, जैसे अपने भी यहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं, तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दोज मेलास और फेयर्स, जैसे दशहरा मेला कोटा का हो गया, और भी मेले लगते हैं हर त्योहारों पे। आई वुड से जो यहाँ के क्रिसमस मार्केट है वो इंडिया में जो फेयर लगते हैं या मेले लगते हैं उनसे थोड़े से तो एडवांस होते ही हैं। मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है, और इवन राइड्स भी जो आपको बड़े बड़े अम्यूज़मेंट पार्क में देखने को मिलती है वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स, जो ये बर्लिन लिस्टनबर्ग वाला क्रिसमस मार्केट है इसमें राइड्स काफ़ी अमेजिंग हैं, और ऐसे क्रिसमस मार्केट आपको पूरे बर्लिन में, बर्लिन के हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्रिसमस मार्केट में जो एक मस्ट टू एक्टिविटी है वो है ग्लू वाइन टेस्टिंग। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जो सिर्फ आपको क्रिसमस मार्केट या विंटर के टाइम पे ही पूरे ऑल ओवर जर्मनी में मिलती है। ये काफ़ी हॉट होती है और इतनी कड़ाके की सर्दी में इस हॉट ड्रिंक को पीना भी एक गजब का एक्सपीरियंस है। दूसरा, क्रिसमस मार्केट फेमस होते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स के लिए, बट मोस्ट ऑफ द फूड नॉन वेज होता है, और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी कुछ होते हैं जैसे फ्राइज और मे बी बेकरी से रिलेटेड आइटम्स। तो ये भी आप यहाँ पे अगर क्रिसमस मार्केट आ रहे हैं तो टेस्ट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बर्लिन का फ्रैंकफर्ट राले वाला क्रिसमस मार्केट का विजिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल यारे दोस्तों। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।